मुजफ्फरपुर शहर के जवाहरलाल रोड स्थित आर्य समाज मंदिर के सभागार में वर्ल्ड लेप्रोसी डे के अवसर पर डोंट फॉरगेट लेप्रोसी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन लेप्रोसी इंडिया संगठन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पाल के सीईओ वेणुगोपाल ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में WHO के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मधुरी लता एवं डॉक्टर अरुण साह थे। कार्यक्रम का संचालन अपार इंडिया के पब्लिक रिलेशन इंचार्ज कमलेश चंद्र लाल ने किया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कुष्ठ मुक्त संसार निर्माण में अपना सहयोग देने की प्रतिज्ञा करते हुए कुष्ठ के नाम पर फैली भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कुष्ठ से जुड़े कानूनों में भेदभाव के स्वरूप को बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ छूत की बीमारी नहीं है, इसका तुरंत इलाज होने पर विकलांगता नहीं आती। भारत में बने सभी कुष्ठ आश्रमों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सभी की पहल आवश्यक है। जिनका स्वभाव आप सब परिचित हैं, लास्ट सफरर्स के वेलफेयर के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है, हमारे बीच में उपस्थित है, कर्तन ध्वनि से इनका भी अभिनंदन करेंगे। हम सरकारी नौकरी में नहीं है, इसलिए जो बोलेंगे सही बोलेंगे। अभी कुछ महीने पहले जब हमको कमलेश जी ने कहा कि फलना मतलब कि ब्लॉक में ये सामान की कमी है, नहीं है, देखिए मतलब क्या नहीं है, तो बीटा टीन नहीं है, तो ये नहीं है, जैसे कि ये कॉस नहीं है, कॉटन नहीं है, और तो सर आप मैनेज कर लीजिए। हमने कहा था कि सरकार इतना फंड देती है, पैसा कहाँ जाता है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत हर चीज़ फ्री है, इलाज फ्री है, तो ये फंड कहाँ जाता है। फिर भी हम गए उनके पास और सामान जितना था करीब अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये का था, हम लेके गए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक मतलब कि जो एक उदासीनता है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है कार्यक्रम का। पहले क्या था, नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम के तहत जो लोग थे उनका एक फोकस था कि लेप्रोसी को कम करना। अब क्या है, उनको ट्यूबरक्लोसिस भी कर दिया गया है, तो मल्टी डिस उनको टास्क दे दिया गया है। हम कुष्ठ पीड़ित, आप ये जान सकता है किसी भी बीमारी का, ये नहीं, ये कैंसर रोगी है, ये TB रोगी है, कोई नहीं बुलाते। केवल इसकी लेप्रोसी है, उन्हीं को जो है कुष्ठ रोगी कहा जाता है। ये कितनी बड़ी भेदभाव है, और इसके साथ साथ समाज हमारे साथ जो है एक तो ऐसा व्यवहार करती है, कोई अपनी इंसान ही नहीं है। ये सब भ्रांतियों के कारण फैल रही है, और ट्रस्ट से मेरा अपील ये है कि ये पखवाड़ा में हम लोग आमंत्रित करने से प्रस हम लोग सहयोग करती है, लेकिन अवेयरनेस कार्यक्रम जो है अनवरत चलना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, जिससे जो है समाज के अंदर जो डर भाई व्याप्त है इस चीज़ की हटाए और जानकारी दे। ये समाज में ये भी एक मुख्य धारा में जोड़ के सबके साथ रह सकता है, इतना मेरा कहना है। इसी के लिए हमारी संस्था एप्पल जो ये कुष्ठ पीड़ितों द्वारा संचालित है, नाम है, वास्तव में इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये लिस्ट इन्फेक्शन बहुत कम फैलने वाला बीमारी है। सालों साल कांटेक्ट में रहने के बाद हो सकता है कि किसी को हो, और सबसे बड़ी बात है ये भगवान का कोई अभिशाप नहीं है, ये आम संक्रामक बीमारी है, जैसे और बीमारियाँ होती है उसी तरह की है, और ये जेनेटिक भी नहीं है। ये नहीं है कि बाप आपको है तो बच्चे को हो जाएगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने कहा कि मैं रक्सौल में था, जिसमें मोतिहारी का था, मैं जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, तो वहाँ पर एक संस्था है रक्सौल में जिसमें कुष्ठ कॉलोनी है, उसके सारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी को कुष्ठ नहीं है, जबकि वहाँ उनके दोनों माँ बाप दोनों कुष्ठ से पीड़ित हैं। समाज इसमें होता क्या है कि ये नर्व को डैमेज करता है, और नर्व के डैमेज होने से सुनापन हो जाता है। ईश्वर के द्वारा दर्द जो दिया गया है मनुष्य को उसके बचाव के लिए, जब दर्द होता है तो पहले हम दर्द को हटाने का उपाय करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आम आदमी चलता है उसके पैर में छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो वो पहले कांटे को निकालेगा तब चलेगा,
कुष्ठ रोगी के पैर में दर्द नहीं हो रहा, उसका सुनापन अगर हो गया है तो वो जो है पूरा पत्थर घुस जाएगा अंदर, तभी उसको नहीं पता चलेगा, वो चलता रहेगा तो घाव बढ़ते चला जाता है, तो इसी कारण से वो भयावह दिखने लग जाता है। और आम आदमी के घाव में और कुष्ठ रोगी के घाव में कोई अंतर नहीं है सिवाय के कि उसमें आम आदमी घाव में दर्द होता है, कुष्ठ रोगी घाव में दर्द नहीं। सर आपने कहा है छुआछूत की बीमारी नहीं है, मगर मोतीपुर साइड में ऐसे इलाके हैं जिनको अलग समाज से करके रखा गया है मोतीपुर में। यही तो समाज की भ्रांति, इसी को आप हम लोगों ने आपसे निवेदन किया इसी को दूर करें, क्योंकि ये भ्रांति है, ऐसा है नहीं वास्तव में। कुष्ठ रोग की पहचान कैसे करेंगे? काफी कोई भी दाग जो चमड़े के रंग से थोड़ा हल्का हो या तांबे के कलर का हो, उसमें सूनापन है तो वो कुष्ठ हो सकता है। और ये कुष्ठ का दाग कभी भी बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, सफ़ेद जो होता है ल्यूकोडर्मा होता है वो कुष्ठ नहीं है, वो केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम दिखने में। चूंकि हिंदुस्तान के आम लोग जो होते हैं वो सांवले रंग के होते हैं तो वो उसमें एक सफ़ेद हो जाता है तो ख़राब लगता है दिखने में, तो दिखने में तो उसका कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कुष्ठ नहीं है। कुष्ठ रोग जो होता है वो स्किन कलर से थोड़ा हल्का होता है और वहाँ पर देखिए वो रफ होता है थोड़ा सा, वो जो है ना जैसे आम चमड़े की तुलना में उसका एरिया थोड़ा रफ होता है और उसमें हेयर लॉस भी रहता है, बाल वहाँ पर रहे तो झरा हुआ रहेगा, तो ये सारा चीज़ है। बिल्कुल एक खुराक दवा जो सरकारी यहाँ मिलती है उसमें 99.9% बैक्टीरिया मर जाता है, और एक खुराक लेने के बाद ही वो आदमी जो है दूसरे को बीमारी फैला नहीं सकता, ये निश्चित हो जाता है कि वो नॉन इन्फेक्शस हो गया। हाँ व्यक्त करती हूँ कि यहाँ पे बैठे लोगों को कि जैसे अकाल है, ये एक संस्था है जिन्होंने लेप्रेसी पे कई सालों से काम किया है और सरकार की तरफ से हमारे सिविल सर्जन साहब हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्टर अरुण हैं,